इस रिएक्शन ऑफ सीक्वेंस में, सॉरी वेलकम बैक, इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में हम लोगों को एक्स वाई और जेड पता करना है। तो देखो पहला हमारा सबस्ट्रेट क्या है, यहां पर हमारा सबस्ट्रेट जो है एल्काइल हैलाइड है। अब हम लोग का एल्काइल हैलाइड क्या करता है, एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो एल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा वो रिएजेंट पर डिपेंड करता है। हमारा रिएजेंट क्या है, हमारा रिएजेंट है Na प्लस और OH माइनस डिजॉल्व इन वाटर। तो हमारा रिएजेंट में बेसिकली एक्वस OH माइनस हमारा फोकस पॉइंट है। क्यों, Na प्लस जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दैट इज स्पेक्टेटर आयन, वो बस देखने वाला आयन। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग को पता है एक्वस OH माइनस विल कॉज सब्स्टिट्यूशन। तो X क्या होगा, ब्रोमीन को OH माइनस से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो X हमारा ये बनेगा CH3CH2CH2OH। अब हमारा X बन गया, इसको देखो किससे ट्रीट किया गया, इसको Al2O3 और साथ में हीट किया गया। Al2O3 क्या है, देखो Al2O3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहां पर क्या होगा, यहां अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, मींस वाटर चला जाएगा, मतलब यहां से OH और यहां से H जाएगा, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अल्कोहल को जब डिहाइड्रेट करते हैं तो एल्कीन बनता है। तो हमारा Y हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा वाई हुआ एल्कीन। अब देखो इस वाई को HOCl से ट्रीट किया, मतलब इसको ट्रीट किया HOCl से, HOCl। अब देखो ये एल्कीन है, ये मेजरली कौन सा रिएक्शन देता है, ये एडिशन रिएक्शन देता है। तो यहां पर ऐड होगा कुछ, कौन ऐड होगा और कहां ऐड होगा, HOCl है क्या, HOCl इज बेसिकली OH माइनस एंड Cl प्लस, OH माइनस एंड Cl प्लस। तो इसका ऐड करना है, पहले कौन ऐड होगा, डबल बॉन्ड में पहले प्लस ऐड होता है, डबल बॉन्ड में पहले प्लस ऐड होगा, प्लस यहां पर ऐड होगा सच दैट Cl यहां पर ऐड होगा सच दैट जो कार्बोकैटायन बनेगा यहां बनेगा। तो ये बनना है आपका बीच में, पहले ये बनेगा प्लस इज ऑन सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। उसके बाद अब Cl OH माइनस आएगा, OH माइनस आने के बाद ये बनेगा CH2Cl, जेड ये बनेगा। उल्टा क्यों नहीं हुआ, Cl यहां OH यहां क्यों नहीं, क्यों ऐसा इसलिए नहीं होता है, क्योंकि ये मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेगा, एल्कीन मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या है, नेगेटिव पार्ट गोज टू कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, OH माइनस नेगेटिव पार्ट है, इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन इसके पास कम है, तो नेगेटिव पार्ट लेसर कार्बन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पर आएगा, मतलब OH यहाँ आएगा और Cl यहाँ आएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट एज जेड।